Good morning, all of you. As we were doing the chapter 2 physical features of India, in which we had covered the Himalayan mountains, the northern plains, the peninsular plateau and the Indian desert. Okay, now the two physiography are left, the coastal plains and islands, so we are going to cover them. Okay, see, revise karte chalenge. हिमालयन माउंटेन्स क्या आते हैं, मैंने आपको बताया था, जियोलॉजिकली यंग हैं और स्ट्रक्चरली ओल्ड माउंटेन्स हैं, है ना। जियोलॉजिकली मतलब अगर टाइम पीरियड से देखते हैं तो वो नए हैं, और अगर स्ट्रक्चर में देखते हैं तो वो फोल्ड माउंटेन्स हैं, ना कि फॉल्ट हैं। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पे स्ट्रेचेस देखे थे हमने इसके, ग्रेट हिमालय, मिडल हिमालय, लेसर हिमालय, आउटर हिमालय, है ना। इसके बाद हमने देखा था कि कौन कौन सी इसकी मेन पिक्स है। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था। अब जहाँ हम जा रहे हैं, दिस इज़ योर कोस्टल प्लेन। ठीक है, तो कोस्टल प्लेन समझेंगे थोड़ा सा इस मैप में। ये देखो, ये वाला एरिया दिख रहा होगा आपको, ये, ठीक है, इधर ये, इस साइड ये कोंकण रीजन, मालाबार कोस्ट, और इस साइड ये कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट नॉर्दर्न सरकार, ठीक है। तो इनके बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे अब जो है कोस्टल प्लेन्स है। ठीक है, नाउ कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, तटीय मैदान। देखो, एक तो था हमारा नॉर्दर्न प्लेन, जिसको हम समतल मैदान कहते हैं या उत्तरी मैदान कहते हैं। ठीक है, और ये है हमारे कोस्टल प्लेन्स, जो तट पे है, मतलब किनारे पे पाए जाते हैं जो। ठीक है, जहाँ पे लैंडमास जो है सी से मिल रहा है। ठीक है, उस जहाँ वहाँ पे जो प्लेन्स पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स रनिंग अलोंग द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। हमने देखा कि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, अंदर अंदर है, अगर हम उसकी कोस्टल स्ट्रिप्स को छोड़ दें तो, है ना। कोस्टल स्ट्रिप्स मतलब जो तटीय क्षेत्र हैं उन्हें छोड़ दें तो उसके इनर साइड में, इनर लाइन में पाया जाता है। वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी इज़ अ नैरो प्लेन। अगर मैं वेस्टर्न कोस्ट की बात करूँगी, ठीक है, मतलब पश्चिमी घाट की बात करूँगी, पश्चिमी तट की बात करूँगी, तो वो किससे किसके बीच में, वेस्टर्न घाट से लेकर अरेबियन सी के बीच में। वेस्टर्न घाट के जो हमने पढ़े थे, ठीक है, मैंने आपको वहाँ पे हाइट्स बताई थी कि वेस्टर्न घाट की हाइट जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा है। ठीक है, वहाँ पे जो माउंटेन रेंजेस है वो कॉन्टीन्यूअस है, तो उसके और अरेबियन सी के बीच में एक बहुत ही नैरो स्ट्रिप है। आप देखोगे मैप में कि जब आप वेस्टर्न कोस्ट की बात कर रहे हो तो वो बहुत ही पतला है, बहुत ही नैरो है, ठीक है, इन कंपैरिजन विद ईस्टर्न कोस्ट। क्यों पतला है बच्चा? क्योंकि वहाँ पे माउंटेन्स ज़्यादा हैं। ठीक है, तो माउंटेन्स ज़्यादा होते तो एकदम से रिवर तो नहीं बना देंगे ना, एकदम से प्लेन तो नहीं बना देंगे। ठीक है, रोक लेते हैं। और हमारी जो इंडियन रिवर्स हैं वो कैसी हैं, ईस्ट फ्लोइंग ज़्यादा है, ठीक है, वेस्ट फ्लोइंग बहुत कम है, है ना। मेनली आप सुनते होंगे नर्मदाएँ तापी, आगे आप पढ़ोगे तो पिन्नार है, ठीक है, वो भी है, लूनी भी है, तो ये सारी भी हैं वेस्ट फ्लोइंग, बट इनमें इतना ज़्यादा डेंसिटी नहीं होती वाटर की, वॉल्यूम नहीं होता कि वो इतना ज़्यादा एरिया को प्लेन करे। ठीक है, इसीलिए जो वेस्टर्न घाट है वो कैसे है, नैरो प्लेन है, याद रखेंगे, नैरो प्लेन है, कम है। इट कंसिस्ट ऑफ थ्री सेक्शन, ये जो नैरो प्लेन है ये थ्री सेक्शन से बना है, मतलब जैसे हमने माउंटेन्स को पढ़ा था ना चार सेक्शन में, वैसे ये जो नैरो प्लेन है वेस्ट का, इसे हम तीन सेक्शन में पढ़ेंगे, तीन बंटवारे पढ़ेंगे इसके। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड द कोंकण, मुंबई, गोवा। द सेंट्रल स्ट्रेच इज कॉल्ड कन्नड़ प्लेन, वाइल द सदर्न स्ट्रेच इज रिफर टू एज मालाबार कोस्ट। समझिए क्या कहने की बात कर रहा है।
देखिए इस साइड है हमारा, ये हमारा वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है। इसमें कह रहा है थ्री पार्ट्स है, फर्स्ट टू थ्री, ठीक है। जो फर्स्ट पार्ट है इसको हम क्या कह रहे हैं, कोंकण, जो कि मुंबई से गोवा तक में फैला है, ठीक है। सेकंड जो है इसे हम क्या कह रहे हैं, कन्नड़, ठीक है, जो कर्नाटक में है। और थर्ड जो केरल में है उसे हम कह रहे हैं मालाबार कोस्ट। समझ में आ गया ये? नाउ द प्लेन्स अलोंग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल। मैंने आपको बताया था जब हम ईस्ट की बात करते हैं तो वहाँ जो ईस्टर्न प्लेन्स हैं वो कैसे हैं, दे आर कंपैरेटिवली वाइड। क्यों? क्योंकि रिवर्स जो है वहाँ पे डेल्टा बना रही है अपना, है ना, रिवर्स काफ़ी वॉल्यूमिनस है वहाँ पे, तो मोस्टली अपना सेडिमेंट लेकर जा रही है और वहाँ पे जो है ड्रॉप आउट कर रही है। तो रिवर्स जब सेडिमेंट ड्रॉप आउट करेगी तो क्या होगा, वो एरिया को वो इरोड करते हुए जाएंगी ना, प्लेन करते हुए जाएंगी, ठीक है। इट इज़ रेफर्ड एज द नॉर्दर्न सरकार वाइल द सदर्न पार्ट इज नॉन एज कोरोमंडल कोस्ट। जब मैं ईस्ट की बात करती हूँ, बे ऑफ बंगाल की बात करती हूँ, तो सेम ये वाला जो पार्ट है, दिस इज़ योर ईस्टर्न कोस्ट प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, इसको भी दो पार्ट्स में बांटा गया है। अगर मैं नॉर्थ की बात करूँ और साउथ की बात करूँ, तो नॉर्थ में इसको नॉर्दर्न सरकार कहते हैं और साउथ में इसको कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। मतलब कि आंध्र प्रदेश वाले एरिया में, उड़ीसा वाले एरिया में इसको नॉर्दर्न सरकार कहा जाता है, और तमिलनाडु वाले एरिया में, तमिलनाडु आ गया ना नीचे, इसको कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो लार्ज रिवर्स हैं उनके नाम क्या क्या हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है बहुत, मैंने बताया ना, एक्सटेंसिव डेल्टा मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि रिवर्स जो है वॉल्यूमिनस हैं, वो अपने सेडिमेंट्स को यहाँ बे ऑफ बंगाल में मिलने से पहले जो है ड्रॉप आउट करते हैं, तो यहाँ पे क्या मिल जाता है आपको, डेल्टा मिल जाता है, ठीक है। लेक चिलिका इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्ट। देखो लेक चिलिका एक इम्पॉर्टेंट फीचर क्यों है, क्योंकि ये साल्टी वाटर लेक, ठीक है। रिवर्स के थ्रू ये बहुत ही कम होता है कि रिवर जो है साल्टी वाटर लेक बनाए, जनरली जो है इस साइड वाली फ्रेश वाटर लेक बनाती है, पर ये जो चिलिका है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है साल्टी वाटर लेक है, ठीक है। चिलिका इज़ द लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इन इंडिया, इट लाइज इन द स्टेट ऑफ ओडिशा टू द साउथ ऑफ द महानदी डेल्टा, ठीक है। यहाँ पे इस इम्पोर्टेंस को याद रखेंगे, ठीक है। क्यों? मैंने आपको बताया कि लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक है ये इंडिया की, और क्योंकि सबसे बड़ी है तो हमने याद रखना है इसका। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? ओडिशा में लोकेटेड है, महानदी के, महानदी का जो डेल्टा है उसके साउथ में, ठीक है। नाउ अब जो हमारा लास्ट फिजियोग्राफी है, दिस इज योर आइलैंड्स, आइलैंड्स में ध्यान देंगे बच्चा, कि हमारी इंडिया में जब मैं बात करती हूँ तो आइलैंड क्या होता है, वो पर्टिकुलर पार्ट, वो पर्टिकुलर लैंड मास जो कि चारों साइड से वाटर से सराउंडेड है, ठीक है। अ लैंड मास विच इज़ कवर्ड बाय वाटर ऑल द साइड्स, ठीक है। तो इस लैंड मास को हम रिफर करते हैं आइलैंड के नाम से, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको दो आइलैंड्स बताए थे और कहा था कि अगर आप देखेंगे, ध्यान देंगे कहाँ पे, ठीक है, जब मैं वेस्टर्न साइड की बात करती हूँ तो यहाँ पे हमें जो आइलैंड्स मिलते हैं, दिस इज योर लक्षद्वीप, ठीक है। और जो मैं ईस्टर्न साइड की बात करती हूँ तो यहाँ पे जो आइलैंड्स मिलते हैं, दिस इज योर अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, दो आइलैंड ग्रुप से हमारे लक्षद्वीप एंड अंडमान ग्रुप, अंडमान एंड निकोबार। तो वेस्ट में कौन सा पड़ता है? वेस्ट में पड़ता है लक्षद्वीप, और ईस्ट में कौन सा पड़ता है? अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। नाउ लोकेट द लक्षद्वीप आइलैंड्स ग्रुप लाइंग क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरल। अब केरल के ही साइड में ही है, ठीक है। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज कम्पोज ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स, ठीक है। ये आइलैंड्स है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको ठीक कर लेना, दिस इज आइलैंड्स, ठीक है। सी स्मॉल कोरल आइलैंड्स, कोरल आइलैंड्स क्या होते हैं बेटा, कि जब समुद्र होता है ना, समुद्र के अंदर क्या होता है कि रिवर्स का साल्ट भी है,
ठीक है, रिवर्स जो साल्ट ले गई हैं वो भी है, साथ में जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनका साल्ट भी वहाँ जमा है। तो वो साल्ट जमा जमा होते होते क्या होता है, एक पिलर टाइप स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक है, मीन्स मानो कि यहाँ पे हमारा ये समुद्र है, ठीक है, अब यहाँ पे रिवर ड्रॉप कर रही है तो यहाँ पे जो है साल्ट जमा हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कहीं किसी एनिमल की वजह से ड्रॉप हो रहे हैं। ठीक है, ये पूरा एरिया जो है ड्रॉप होता जा रहा है। तो एक जब ये ऊपर आएंगे ना तो एक ही इस तरह का जोड़ कर इस तरह की एक रिलीफ बना लेंगे, ठीक है, जिसके अंदर पानी होगा और इधर इधर क्योंकि यहाँ पे इनको मॉइस्चर मिल रहा है, नमी मिल रही है, साथ में जो है न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ ग्रीनरी आ जाएगी, मतलब थोड़ी सी घासें आ जाएंगी जो एक्वेटिक लाइफ के लिए अच्छी होती है, फाइटोप्लांक्टन्स बोलते हैं उनको जनरली। तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये इस टाइप का जो कॉर्नर कॉर्नर पे आपको लैंड मास मिलेगा, लैंड मास क्या, ग्रीनरी मिलेगी और बीच में पानी मिलेगा, इसे हम कहते हैं कोरल रीफ। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि आइलैंड जो आपको लक्षद्वीप आइलैंड है वहाँ पे बहुत छोटे छोटे कोरल आइलैंड से वो बना है। अर्लियर देवर नॉन एज लक्का द्वीप मिनी कॉय एंड अमीन द्वीप। ठीक है, उसे आज़ादी से पहले, इंडिपेंडेंस से पहले वो जो जाने जाते थे वो किस किस नाम से जाने जाते थे, लक्षद्वीप, मिनी कॉय एंड अमीन द्वीप। ठीक है, 1973 में इन सभी को मिलाकर लक्षद्वीप कहा। ठीक है, इट कवर्स अ स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर, कावरत्ती आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ लक्षद्वीप। ठीक है, ये कितना एरिया कवर करता है, बहुत ही छोटा एरिया कवर करता है 32 स्क्वायर किलोमीटर का, और जो कावरत्ती आइलैंड है वो इसकी कैपिटल भी है और एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर भी है। ठीक है, दिस आइलैंड ग्रुप हैज ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, द पिटी आइलैंड विच इज अनइनहैबिटेटेड हैज अ बर्ड सेंचुरी। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि अब देखो आइलैंड है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे क्या होगा, फ्लोरा एंड फौना अच्छा होगा, फॉरेस्ट होंगे यहाँ पे। ठीक है, इतना ज़्यादा ह्यूमन इन्फ्लुएंस तो होगा नहीं, तो क्या है यहाँ पे ग्रेट डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है, अच्छा फ्लोरा एंड फौना मतलब फ्लावर और एनिमल स्पीशीज जो है वो अच्छे से यहाँ पे देखने को मिलती हैं, और जो पिटी आइलैंड है जो कि अनइनहैबिटेड है, जहाँ पे लोग नहीं रहते, वहाँ पे एक बर्ड सेंचुरी भी है जहाँ पे बर्ड्स को बचाने के लिए चीज़ें जो हैं की जा रही है। ये कॉरल्स के बारे में है, आप इसे पढ़ लेंगे, मैंने आपको बताया है कि कैल्शियम कार्बोनेट वो सीक्रेट करते हैं। ठीक है, तो वो एक स्केलेटन टाइप का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, है ना, तो वहाँ पे ये चीज़ पाई जाती है। ये तीन चीज़ों से मिलकर बनता है कोरल, बैरियर रीफ, फ्रिंजिंग रीफ और एटॉल्स, है ना। तो जो जिस पार्ट से वो अलग कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं बैरियर रीफ। मान लो ये समुद्र है और यहाँ पे कोरल है, तो ये जो पार्ट है ना इसका, इसको बोलते हैं बैरियर रीफ। अंदर वाली जो बाउंड्री होती है इसको हम बोलते हैं फ्रिंजिंग रीफ, और फिर ये जो पानी होता है इसको हम बोलते हैं एटॉल। ठीक है, तो ये पढ़ लेना, थोड़ा सा कहीं पर कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ लेना। ठीक है, नाउ नाउ यू सी द इलोंगेटेड चेन ऑफ आइलैंड्स लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल एक्सटेंडिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, अब हम एक इलोंगेटेड चेन को देखेंगे, इलोंगेटेड चेन मतलब लंबी चेन। ठीक है, कंपैरेटिवली लक्षद्वीप को जब आप देखते हो तो वो छोटे मिलते हैं, बट अंडमान निकोबार को जब बे ऑफ बंगाल में देखते हो तो इलोंगेटेड चेन है, बहुत सारे आइलैंड्स हैं यहाँ पे। ठीक है, छोटे 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 करके काफ़ी सारे आइलैंड्स हैं। ठीक है, अराउंड 8 to 9 आइलैंड्स हैं वहाँ पे छोटे छोटे पार्ट्स में। ठीक है, क्योंकि नॉर्थ से साउथ में जा रहे हैं, दीज आर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, दे आर बिगर इन साइज एंड मोर न्यूमरस एंड स्कैटर्ड। ठीक है, ये साइज में भी बड़े हैं और नंबर्स में भी ज़्यादा हैं और स्कैटर्ड है, मैंने बताया ना 8 to 9 ही नंबर्स है। द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज डिवाइडेड इंटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, द अंडमान इन द नॉर्थ एंड द निकोबार इन द साउथ। पूरे के पूरे जो आइलैंड्स हैं इन्हें दो ब्रॉड कैटेगरीज में, दो बड़ी कैटेगरीज में बांटा गया है। नॉर्थ की बात करते हैं तो उसे अंडमान कहते हैं, और साउथ की बात करते हैं तो इसे निकोबार कहते हैं। इट इज़ बिलीव दैट दीज आइलैंड्स आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सम मैरिन माउंटेन्स। अब देखो, आपने देखा लक्षद्वीप किससे बने हैं, कोरल रीफ से। ठीक है, और यहाँ पे जो बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार है ये किससे बने हैं, सबमरीन माउंटेन से। बेटा क्या होता है, देखो मान लो थोड़ा सा आप एक डायग्राम को समझो, इस पर्टिकुलर एरिया को ले लेते हैं, ये आपका ओशियन है ना। यहाँ पे मान लो छोटा सा कोई माउंटेन है, इधर कोई लैंड मास है। ठीक है, क्या होगा, या प्लेन एरिया है। ठीक है, ये प्लेन एरिया है,
ये माउंटेन, ये प्लेन, ठीक है, यहाँ से ओशन चालू है प्लेन के बाद, है ना। तो क्या होगा, ये यहाँ से रिवर्स आएंगी, वो इस एरिया को इरोड करेंगी, यहाँ पे अपना सेडिमेंट डालेंगी, बीच होती है ना, बीच ओशन के किनारे पे होती है ना, वो एरिया होगा। फिर आपको क्या दिखेगा कि ओशन की गहराई जो है ज़्यादा होती जा रही है ना। इस पर्टिकुलर एरिया को हम शेल्फ बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, यहाँ तक कॉन्टिनेंट होता है। फिर इसको हम बोलते हैं स्लोप, जहाँ पे कॉन्टिनेंट जो है गहरा होता जा रहा है, मतलब ओशन जो है गहरा होता जा रहा है, क्योंकि ओशन की डेंसिटी ज़्यादा होती है तो यहाँ पे इरोजन भी ज़्यादा होता है, ठीक है, पानी ज़्यादा नीचे तक मिलता है ना, तो क्या होता है इस पर्टिकुलर एरिया को हम बोलते हैं स्लोप। फिर क्या होगा, यहाँ से जितना भी सेडिमेंट आ रहा होगा, है ना, सेडिमेंट जो ये ओशन ला रहा होगा, ओशंस में रिवर्स जो ला रही होंगी, वो यहाँ कहीं ना कहीं जमा करेंगी, ठीक है, मान लो इस पर्टिकुलर एरिया पे जमा कर रही हैं। ये जो रिजेस है ना, ये आफ्टर सम टाइम थोड़ी बड़ी होंगी, थोड़ी बड़ी होंगी, थोड़ी बड़ी होंगी, ठीक है। और फिर क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि ओशनिक ओशनिक प्लेट का भी कन्वर्जेंस होता है। मान लो यहाँ पे दो ओशनिक प्लेट्स हैं और ये कन्वर्ज हो रही हैं, ठीक है, तो क्या होगा, एक तो नीचे जाएगी और एक ऊपर जाएगी, तो उसके जो सेडिमेंट्स होंगे वो क्या बनाएंगे, समुद्र के अंदर सी माउंट बनाएंगे, समुद्र के अंदर सी माउंट बनाएंगे, ठीक है। वो माउंटेन जो समुद्र के अंदर होते हैं, ठीक है, जो ओशंस के अंदर होते हैं, सी के अंदर होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम सी माउंटेन्स कहते हैं, ठीक है, उन्हें हम सबमरीन माउंटेन्स या ओशन माउंटेन्स या फिर सी माउंटेन्स कहते हैं, ठीक है। These island groups are of great strategic importance for the country. There is great diversity of flora and fauna in this group of islands too. These islands lie close to the equator and experience equatorial climate and has thick forest cover. ठीक है, सेम जैसे लक्षद्वीप आइलैंड में आपको फ्लोरा एंड फौना दिख रहा था, यहाँ पे उससे भी ज़्यादा है क्योंकि एरिया ज़्यादा है, ठीक है। ये आइलैंड्स जो है इक्वेटर के पास पड़ते हैं, इसलिए यहाँ पे कैसा क्लाइमेट रहता है, इक्वेटोरियल क्लाइमेट रहता है, ठीक है। और आपको पता ही है इक्वेटोरियल क्लाइमेट है तो मतलब रेनफॉल भी ज़्यादा है, टेम्परेचर भी ज़्यादा है, जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए सफिशियंट है। तो यहाँ पे आपको फॉरेस्ट कवर भी कैसा मिलता है, घना ठीक देखने के लिए मिलता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ देखने को मिलेंगे आपको। इंडियाज ओनली एक्टिव वॉल्केनो इज फाउंड ऑन बैरन लैंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ग्रुप, ठीक है। आपको पता होगा इंडिया में सिर्फ एक ही जगह जो है वॉल्केनो देखने को मिलते हैं, एक्टिव वॉल्केनो, जहाँ वॉल्केनोज आते हैं, और वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, जो बैरन आइलैंड है, ठीक है। अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द डिफरेंट फिजियोग्राफिक यूनिट्स हाईलाइट द यूनिक फीचर ऑफ ईच रीजन। इट वुड हाउएवर बी क्लियर दैट ईच रीजन कॉम्प्लीमेंट्स द अदर एंड मेक्स द कंट्री रिचर इन इट्स नेचुरल रिसोर्सेज। हमने यहाँ पे डिटेल फिजियोग्राफिक यूनिट पढ़ी, हर फीचर को अच्छे से पढ़ा, और ये भी देखा कि एक फीचर दूसरे फीचर को किस तरह से एकम्पनी कर रहा है, किस तरह से साथ दे रहा है ना, उसके नेचुरल रिसोर्सेज को बढ़ाने में। द माउंटेन्स आर द मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर एंड फॉरेस्ट वेल्थ। हमने देखा कि माउंटेन जो है वहाँ से रिवर्स ऑरिजिनेट हो रही हैं, तो इसलिए वो मेजर सोर्स ऑफ वाटर है, साथ में फॉरेस्ट वेल्थ को भी बनाए रखता है। नॉर्दर्न प्लेन्स आर द ग्रीनरीज ऑफ द कंट्री। हमने देखा कि वो प्लेन एरिया है, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर कल्टिवेबल लैंड ज़्यादा है, फॉरेस्ट को कन्वर्ट कर दिया गया लैंड कल्चर कल्टिवेबल लैंड में, ठीक है। दे प्रोवाइड अस द बेस फॉर अर्ली सिविलाइजेशन। प्लेन्स में ही हमने देखी कि वहाँ पे लोग जो हैं प्लेन एरिया की वजह से लोग जो हैं सिविलाइज होने लगे थे, लोग वहाँ रहने लगे थे, लोगों ने वहाँ अपने स्टार्टिंग करा सेटलमेंट करना, ठीक है। अब क्योंकि वो पर्टिकुलर एरिया इतना अच्छा है, तो वहाँ पे आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन भी देखने को अच्छा से मिलेगा। प्लेट्यू इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल। अब मैंने जो आपको प्लेट्यूज बताए थे, वहाँ बताया था कि मिनरल्स रॉक ज़्यादा पाए जाते हैं, क्यों, क्योंकि वो मैग्मा से बने, ठीक है, मैग्मा से बने हैं ना, जमीन के अंदर से निकला है, तो जमीन के अंदर के जो मिनरल्स हैं वो ऊपर आ गए, तो वहाँ पे हमें क्या मिलता है, मेटेलिक मिनरल्स ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है, इन कंपैरिजन विद अदर एरियाज। जो प्लेट्यूज होते हैं, याद रखेंगे, वो स्टोर हाउस कहलाते हैं मिनरल्स के, ठीक है। इसीलिए अब मिनरल वहाँ मिल रहे हैं, तो क्या होता है, इंडस्ट्रीज ज़्यादा लगाई जाती हैं, रॉ मटेरियल पास में है, तो वहाँ पे आपको दिखेगी, जैसे जमशेदपुर में टिस्को दिख जाएगी आपको, टाटा आयरन एंड स्टील, ठीक है, आपको वेस्ट बंगाल वाले एरिया में इसको दिख जाएगी, है ना, आपको तमिलनाडु वाले में इसको दिख जाएगी, मैसूर, तो इस तरह से आपको वहाँ इंडस्ट्रीज भी दिखेंगी। द कोस्टल रीजन एंड आइलैंड ग्रुप्स प्रोवाइड साइट्स फॉर फिशिंग एंड पोर्ट एक्टिविटीज़। ऑब्वियसली बात है, किनारे वाले एरिया पे हम क्या करते हैं जनरली, या तो पोर्ट एक्टिविटीज़ करते हैं, मतलब इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करते हैं, या फिर फिशरीज करते हैं, ठीक है, मछली पालन करते हैं। द डाइवर्स फिजिकल फीचर्स ऑफ द लैंड हैव इमेंस फ्यूचर पॉसिबिलिटीज ऑफ डेवलपमेंट। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो डाइवर्सिटी है फिजिकल फीचर्स, वो
बहुत ही बड़ा कारण है हमारे विकास का, जो कि हम फ्यूचर में अगर पॉसिबिलिटीज बना लेते हैं तो। ठीक है, आई होप कि चैप्टर का क्लियर होगा आपके साथ, आप सभी के साथ। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लेंगे, समझ लेंगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए, ए लाइन मास बाउंडेड बाय सी ऑन थ्री साइड्स इज रिफर्ड टू एज, याद करो, एक लाइन मास बना के देख लो। ठीक है, एक लाइन मास है ये, थ्री साइड्स, वेस्ट, साउथ और ईस्ट, तीन साइड से पानी से घिरा हुआ है, तो हमें इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं पेनिनसुला। के कोस्ट क्या है? जो एक साइड पानी से लग रहा है। आइलैंड क्या है? जो चारों साइड पानी से लग रहा है, जैसे कि श्रीलंका यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे थे हमारे, है ना, यहाँ पे क्या था हमारा, लक्षद्वीप। ठीक है, माउंटेन रेंजेस इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया फॉर्मिंग इट्स बाउंड्री विद म्यांमार आर कलेक्टिवली कॉल्ड, ठीक है, वो माउंटेन रेंजेस जो कि ईस्टर्न पार्ट में मिलती है उन्हें हम क्या कहते हैं? पूर्वांचल। ठीक है, पूर्व में मिल रही है ना, तो इसे हम क्या कहते हैं? पूर्वांचल। वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप साउथ ऑफ गोवा इज रिफर्ड टू एज साउथ ऑफ गोवा, मतलब गोवा से नीचे, तो गोवा से नीचे क्या है आपका? कन्नड़। ठीक है, नहीं गोवा में ही पड़ता है कन्नड़ तो। ठीक है, आप कोरोमंडल लिखेंगे इसका ए। द हाइएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट इज, ईस्टर्न घाट की हाइएस्ट की पीक क्या है? अनायमुडी, ये मैंने आपको बताई थी। ठीक है, फिर भाबर, मैंने आपको बताया था भाबर कौन सा एरिया है। भाबर वो एरिया है जो कि प्लेन एरिया में पाया जाता है, पर जहाँ पे रॉक सिस्टम ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, रॉक्स मिलती हैं आपको, है ना, मतलब कि मोटे मोटे पैबल्स से वो मिल जाते हैं, जहाँ पे नैरो स्केच होता है रिवर का। ठीक है, नेम द थ्री मेजर डिविजन्स ऑफ हिमालय फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये आप कर लेंगे, ग्रेट हिमालयाज, लेसर हिमालयाज, मिडल हिमालयाज। ठीक है, विच प्लेट्यू लाइज बिटवीन द अरावली एंड विंध्यान रेंज, अरावली और विंध्यान रेंज के बीच में कौन कौन सा प्लेट्यू है? सेंट्रल हाईलैंड्स है। ठीक है, इसे आप कर लेंगे। नेम द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया हैविंग कोरल ओरिजिन, कोरल ओरिजिन मैंने आपको बताया कहाँ पे है, लक्षद्वीप आइलैंड, है ना। डिस्टिंग्विश बिटवीन भांगर एंड खादर, मैंने आपको बताया था भांगर जो है वो क्या है, ओल्ड एल्यूवियम है, और खादर जो है वो क्या है, न्यू एल्यूवियम है, तो ये कर लेंगे, एल्यूवियल सॉइल से क्वेश्चन है। वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट मैंने आपको डिफरेंस लिखवाया ही है। वट नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द मेजर जियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया कंट्रास्ट द रिलीफ ऑफ द हिमालयन रीजन एंड विथ दैट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, आपको मेजर जियोग्राफिक डिविजन बताने हैं, ठीक है, ठीक, फिर उसमें हिमालयन और पेनिनसुलर के बीच में डिफरेंस बताना है। ठीक है, नेक्स्ट, गिव एन अकाउंट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स को एक्सप्लेन करना है। सिक्स, शॉर्ट नोट लिखना है इंडियन डेजर्ट, सेंट्रल हाईलैंड और आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया पे। इनके आंसर्स मैं आपको सेंड कर दूंगी, बट आप फिर भी ट्राई करेंगे कि कितना आपको समझ में आए, तो करने का एक बार ट्राई करेंगे। ठीक है।